मिंबर पर शायर आली इमरान तशरीफ ले आए। आखिर में शहनशाह ज़िक्र मसाइब ज़ाकर तनवीर अब्बास सलवी फरजंद अंजुमन जनाब मुस्लिम बिन अकील शहजादा ओन मोहम्मद इब्राहिम के तबूत बरामद कराएंगे और मातमदारी होगी। तमाम मोमिन मोमिनात ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमा कर सवाब दरहन हासिल करें। चार होगी, चार है, चार है ना, चार। सज्जाद की सूरत है कि कुरान की सूरत, जिक्र इमाम सज्जाद नहीं होया, मैं करा ना। सज्जाद की सूरत है कि कुरान की सूरत, सज्जाद ने दो दी जहालत की कदूरत। सज्जाद की सूरत है कि कुरान की सूरत, सज्जाद ने दो दी जहालत की कदूरत, मिट्टी में मिला दी अबू सुफियान की मूरत। मिट्टी में मिला दी, एक शेर तो सुनाना अगला बस। मिट्टी में मिला दी अबू सुफियान की मूरत, सज्जाद है हर दौर में मजलूम की ज़रूरत। जनाब इमाम पाक दोबारे सुभान अल्लाह, लाजमी कवि हो। सज्जाद है हर दौर में मजलूम की ज़रूरत, जब तक है जहाँ में हक व बातल का फसाना, जब तक जहाँ है। हासिल मकसद शेर सुभान अल्लाह लाजमी कवि हो, फरिश्ते लिख लें अंदर। इमाम ज़ैन अलाबदीन की शान है सुभान अल्लाह क्या है। जब तक है जहाँ में हक व बातल का फसाना, सज्जाद के सजदों को न भूलेगा ज़माना। अज़मत ज़ैन अलाबदीन सैयद अल साजिदीन की ज़ात पर बवाज़े बुलंद तर सलावात। मुल्तमिसु शायर आले इमरान नफीसुल ज़ाकिरीन भाई आमिर इफ्तिखार तारड़, बवाज़े बुलंद तर सलावात। सारे तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन। वलानल्लाहु अला आदाएहिम अजमाइन मिन यौमे अदावतहिम इला यौमिद्दीन। सलावात बुलंद आवाज के साथ अल्लाहुम्मा सल्ले अला। दुआए ज़हूर वारिस ज़माना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल ने वलीयकल हुज्जत इब्ने अल हसन अलैहि सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाएही फ़ी हाज़ि साअत व फ़ी कुल्ले साअत मिन सात लैल व नहारे वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व एनाब हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क तौअम व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजाओ ले मोहम्मद। शुक्रिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला
محمد و آل محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے جی۔ بسم اللہ جی، لکھ واری بسم اللہ۔ ہندائی پڑھا لکھا زیرک فہمیدہ مجمع ماحول ہے۔ آئی صاحب، میں چار مصروں سے ذکر پاک کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد جیسا آپ سنیں گے ویسا پڑھ لیں گے۔ مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مہربانی سرکار۔ نظم میں آج ایک اپنی مرضی نال نمی پڑھنا چاہ رہے ہیں، جڑا تساں حکم دیتا ہوں میں کل پورا کر دیں گے انشاءاللہ جی ہوندے رہتے۔ مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے۔ باجی مصرے میں دو لفظ آئے ہیں توفیل پیر، مودت سمندر۔ ماتمی بھی رہا ہوں، اگلا مصرا ڈیپینڈ کرتے ہیں نا دو لفظاں ہوتے ہیں، مودت سمندر۔ مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے اور مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے۔ میں صدقے جاواں جی، این جی بولنا چاہیے تھانوں۔ ہاں بسم اللہ بھائی جان، مہربانی بادشاہ، مہربانی کریا جی بھائی جان۔ اتھو بولے مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے اور مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے، علی کے سامنے قرآن رکھ کے دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ پروان جاواں میں، صدقے جاواں، رل کے بابا جی ہے دری۔ بسم اللہ کراں جی صاحب، بسم اللہ کراں، لکھ واری بسم اللہ کراں۔ پھر پڑھا جی میں جی، بڑی بڑی پڑھتا رہا۔ مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے اور مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے، علی کے سامنے قرآن رکھ کے دیکھو کون کس کو۔ تہاڈا ہی کام ہے میٹھو شاہ، علی کے سامنے بسم اللہ کراں سرکار، علی کے سامنے قرآن رکھ کے دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ صحت ان شاء اللہ۔ ایک کتا اور پڑھا جو نور، ان پھر پڑھا۔ مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے اور مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے، علی کے سامنے قرآن رکھ کے دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ صدقے جاواں، جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات۔ قرآن نور ہی ہے نا، جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات، بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا۔ مہربانی، تہاڈی وجہ تو کچھ گلاں کرنیاں پوندیاں نے۔ بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا، علی حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا، قرآن جسم میں ہوتا تو پھر علی ہوتا۔ قربان جاواں جی، میں انشاء اللہ اے دری۔ علی حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا، قرآن جسم میں ہوتا تو پھر۔ مہربانی سرکار جی، میں انشاء اللہ۔ علی حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا، قرآن جسم میں ہوتا تو پھر علی ہوتا۔ ایک سلام دے دو شعر پڑھتے ہیں، وہ دیوں بعد ایک نظم پڑھتے ہیں جی۔ کراں بسم اللہ کراں سرکار، دعا کریا میرے واسطے۔ بسم اللہ کراں سرکار، سلامت رہو شاء اللہ۔ بسم اللہ کراں، جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات، بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا، علی حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا، قرآن جسم میں ہوتا تو پھر علی۔ تہاڈے ہی کام ہے علی جی، وہ شالہ ہے دری۔ بسم اللہ کرا، آواز تھوڑی کھولیا جی، سلام پڑھیے جی۔ کیوں بھائی جان، سلام پڑھیے جی۔ کرا، جو بھی مریض ہے، جو بچہ بیمار ہے، مالک شفا کلی عطا فرمائے جی۔ اللہ اکبر۔ علی جب اپنے خدا پر دھیان دیتا ہے،
चौथी दिहाड़े तो कुछ नहीं तो 22-23 नौकरियां मैं कर चुकी हूँ तक चौथे दिन च इस्लाम मैं कदा इं भी नहीं पढ़िया तुहाड़ी मौजूदगी का फायदा लैके पढ़ता पिया। अली जब अपने खुदा पर ध्यान देता है तो उसको जिस्म के बदले में जान देता है। मैं सदके जावा अंकल जी मेहरबानी। अली जब अपने खुदा पर ध्यान देता है तो उसको जिस्म के बदले में सारे ना बोले उसको जिस्म के बदले में जान देता है। अली का मर्तबा 13 रजब की रात से पूछ के ला मकान भी उसको मकान देता है। शुक्रिया हैदरी हैदरी। अली का मर्तबा 13 रजब की रात से पूछ के ला मकान भी उसको मकान देता है। मिसरे पढ़ने में नज़म पढ़ने वास्ते ताकि नज़म वाला माहौल बन जाए। नज़म मैं पढ़ूँ बिना हो 13 रजब उत्ते की पढ़ूँ 13 तुफैल पीर 13 रजब उत्ते मैं नज़म पढ़ूँगा। इस जुमले तो पता लगना है इस जुमले तो थोड़ी तवज्जो तो सही मैं अद्धी पढ़नी है या सारी पढ़नी। ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अली उन वलीउल्लाह को हाथों पे उठा लिया। सदके जावा भाई सदके जावा जिंदा रहो इंशाल्लाह रल के हैदरी जी बिस्मिल्लाह करना सरकार। ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अली उन वलीउल्लाह को हाथों पे उठा लिया। मेहरबानी बादशाह वो जड़ी काबे दे विच दोवां भरावां च गल होई मिठू शाह जी वो मैं आदो आल करना चाह रहा करनी चाहिए सेहत हो जाए इंशाला। नबी आंदे ने या अली मैं तुहाडे तो पहला इत्थे आया काबे विच मेहरबानी मक्के च अरब विच तुसीं अज आए हो मैं तुहाडे तो पहला आया तुहानूं दसूँ इतों के हालात किवें दे ने मेहरबानी ये अरब हैं किवें दे अली किला बिले मौला कैसे हैं। नबी फरमाते हैं तहजीब इस शहर में है वीरान या अली। आई साहब दो मिसरे मुश्किल ने दो मिसरे त्रीजे उत्ते ना बेशक बेबस बोल पाने तहजीब इस शहर में है भरा प्राण दसदा पे है तहजीब इस शहर में है वीरान या अली। मैं था यतीम बेसरो सामान या अली। शुक्रिया इन्नी गल औखी आई हुण गल खुलू जे तहजीब शहर में है वीरान या अली। मैं था यतीम बेसरो सामान या अली घर ले गए मुझे चचा इमरान या अली। इंज बोली देना पता लगे अली दे नौकर बैठे नहीं यार रल के बावे रे तक बोलो हैदरी। हद नहीं हो गई है भाई जान मेहरबानी उतो बह के बोलो आसान किया जी तहजीब शहर में है वीरान या अली। तहजीब शहर में है वीरान या अली थके हो जाको फिर तहजीब शहर में है वीरान या अली। मैं था यतीम बेसरो सामान या अली घर ले गए मुझे चचा सारे बोलो ना घर ले गए मुझे चचा तरकड़े रवे काबू रखे घर ले गए मुझे चचा इमरान या अली। मैं हूं तुम्हारे बाप का एहसान या अली। अल्लाह अकबर नौकर जनाब अबू तालिब दे सरकार इमरान दे नौकर हाथ चाओ रल के बोलो हैदरी। कुछ कोई तुहाडा हुक्म मेरे विच पूरा हुंदा पे इंज ही गल तहजीब शहर में है वीरान या अली। मैं था यतीम बेसरो सामान या अली घर ले गए मुझे चचा इमरान या अली। मैं हूँ तुम्हारे बाप का एहसान या अली। हाजी साहब सारा पिंडाल तलिया तो खलो जाए कीमत नहीं बनती मैं दुआ चाहिए मैं हूँ तुम्हारे बाप का एहसान या अली। नबी अली का माथा चुम के फरमाते हैं जो मुझको मानता है और इमरान से दूर है कुछ और हो ना हो वो मुनाफिक जरूर है। अच्छा मेहरबानी
हैदरी। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, इंशाल्लाह दुआएं कबूल हो जाए इंशाल्लाह। जो मुझको मानता है, अच्छा चलो अगर टूटते हैं, जो मुझको मानता है जिंदे रहो इंशाल्लाह, और इमरान से दूर है, कुछ और हो ना हो वो मुनाफिक, मुनाफिक जरूर है। नबी आखे या अली मैं इन्हां विच आया ना अरब वालिया विच, ते मैं बड़ा अंदरों बेचैन आई, इस तरह बेच आई, मैं अल्लाह के दुआ की वाज अली मिल्ला दुनका सुल्तान नसीरा, मैं अपने कोलों एक मददगार दे, नसीर दे, मेहरबानी बादशाह नसीर अता कर। अगों की होया नबी फरमाते हैं सुन के मेरी दुआओं को रब ने करम किया, मेहरबानी मेहरबानी करम होया कि मैं सुन के मेरी दुआओं को रब ने करम किया, तुझको उतार के मेरी मुश्किल को कम किया। जीवो शाला जीवो जवानिया माणो का भाई जान, मेहरबानी ये चोली वाला जीवे जे, सुन के मेरी दुआओं को रब ने करम किया, तुझको उतार के मेरी मुश्किल को कम किया, सुन के तेरा जहूर मुनाफिक ने गम किया। ठीक है दाद बड़ी है, तो फैल फिर इन्नी बड़ी है दाद इस मिसरे की, इन्नी बड़ी है। अच्छा बच्चा आ जाए ना दुनिया से, तो बच्चा होवे सोहना, तो जो घर के वडेरे होंगे ना वो दम करते हैं नजरे बात तो बचाने वास्ते, कोई आयतुल कुर्सी पढ़ता, कोई दरूद पाक पढ़ता, कोई माशाअल्लाह पढ़ता। नबी आखे या अली तुहाडे ते मैं दम किया, दम केड़ा सोहना फैसला आप कर, फरमाते सुन के तेरा जहूर मुनाफिक ने गम किया, तुझ पे भी मैंने नादे अली ही का दम किया। ओ कुर्बान अल्लाह अकबर, हद नहीं हो गई है, तुझ पे भी मैंने नादे अली ही का दम किया। अगला कम अंकल जी की होंगे, तो फैल साहब बाबा जी अली उत्ते हो रहा नादे अली का, सदके जावा अल्लाह अकबर है, सुन के तेरा जहूर मुनाफिक ने गम किया, तुझ पे भी मैंने नादे अली ही का, सारे बोलो तुझ पे भी मैंने नादे अली ही का। अगला काम की होंगे मिठू शाह जी, बच्चा आ जाए ना तो जड़िया बीबियां माइया घर च होंदिया ना वो नैन नक्श लाने लग पाउंदियां, ते जे सोहना होवे ते पक्की हार नानकियां ते टुट जांदा सारियां दे हालात, इंजन जे पीड़े होके बैठे हो हैं, वो आदियां ने मत्था वड्डे मामे ते, नक निक्के मामे ते, ते अखां ते बिल्कुल नाने यार, ते भावें नाने दियां दोवें बनने वालियां हुण कहिंदी गल, ते जे तू फैल शाह जी बच्चा होवे पूरा जिहा ताए ते नहीं गया, निक्के चाचे ते नक्स अखां ते बिल्कुल दादे यार, मजाक च नहीं गल पानी, मेरा कुरान ते हाथ है जिहड़ा मिसरा मैं पढ़ूंगा ना तेरा रजब मुगोवाल तो अगे एक जगह पुली रनसी के मैं उत्थे पढ़िया, जेडे बानी हैं उन्होंने चार भरा अहले सुन्नत ने, एक भाई सूबेदार रिटायर ने इस्लामाबाद वो पेश नमाज ने किसी मस्जिद, वो आई साहब जी तुसे बैठे ना उत्थे वो बैठे सन, गफूर ना उन्होंने, मैं मिसरा पढ़िया खलो गया, उन्हें मैं ढेर सारा इनाम दिता, मैं चवानी नहीं मंगता पिया, दुआ मेरा हक बन जाए तो बोलिया जे नबी अली का माथा चूम फरमाते आदम से मुझ तलक तू रसूलों की अकल है, अल्लाह के सब नबियों की मजमूई शक्ल है। हाँ ठहरिया जे मौला जी कसम है, और जियो अली अड़े आओ लड़के जीने शाला वीरा है अली, मैं बादशाह बिस्मिल्लाह करा, मैं नौकर हूं, मैं औलाद हूं, आदम से मुझ तलक हदीस है नबी की, आदम से मुझ तलक तू रसूलों की अकल है, अल्लाह के सब नबियों की, अल्लाह के सब नबियों की मजमूई शक्ल है। अगला काम की होंगे आप दुआले मदद खड़े हैं आज सुन दिया, मैंने अगला काम की होंगे, बच्चा आ जाए तो बच्चा रोवे,
बच्चा कोई हरकत करे जिंदगी का इजहार करे। हुण गुलशाद साहब अली अन नबी दे हत्था उत्ते वह बंदा मेरे उत्ते दैन चढ़ेगा समझे तो सुबह अल्लाह जाखे नबी ने अली पे झुकना शुरू किया। इतना झुके इतना झुके इतना झुके कि रिसालत के लब इमामत के कान से जा टकराए। दुआ दिया तो खाली को ना जावे रिसालत के जीवे हैदरी। नबी ने अली पे झुकना शुरू किया इतना झुके कि रिसालत के लब इमामत के मजा लाओ तो जुमले का एक केन में बदलू जे की बेच केन में की करूँ जे रिसालत के लब इमामत की कान से जा टकराए। इमामत की कान से जा टकराए कान पे लब रख के नबी फरमाते हैं पैमाना ए वफा में कुरान तोल या अली। ना मिठू शाह जी तवज्जो कोई नहीं दाद बड़ी है इतने थोड़ी है तोले काफिया आई साहब चैलेंज है मेरा तोल काफी है या अली लतीफ है चौथा या अली मैं नहीं पढ़ूंगा ये सारा आदो अल पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा वरना मुसह पढ़ दूंगा। नबी फरमाते हैं पैमाना ए वफा में कुरान तोल या अली इस्मत चनास वजन में रस घोल या अली नब्जें रुकी हैं दहर की लब खोल या अली अल्लाह भी सुनना चाहता है कुछ बोल या सदके। ऐना बच्चे ने पीछे करया जी ऐ बच्चे ने पीछे करया जी सदके जावा ऐ दरी बिस्मिल्लाह सैयदादा अली पीर पैमाना ए वफा में कुरान तोल या अली इस्मत शनास ओजन में रस घोल या अली। नबी फरमाते हैं नब्जें रुकी हैं दहर की लब खोल या अली अल्लाह भी सुनना चाहता है कुछ जीवो तुसा मातमी देवी मालिक कुछ बोल या अली अली के लब ले या नबी अल्लाह कुरान पढ़ूं तो रात पढ़ूं जबूर पढ़ूं अंजील पढ़ूं। अली भाई यहां तक सब ने लिखा है सुन्नत ने भी लिखा है कि अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ 10 साल है कुरान नाजिल होने में काबा के सेंटर में नबी के हाथों पे अली ने कुरान पढ़ा है। मैं कहता हूं कितना ही अच्छा होता अगर ये लिख देते कि अली ने जो पढ़ा है वो कुरान था। बैठे आयो ना अली ने भाईजान शिफा हो जाए इंशाल्लाह जो पढ़ा है वो कुरान था। गल इत्थे रह गई मेरे होने का फायदा कौन नहीं वीरा हो याद करके नाल ले जाओ अज इतराज कर सकते हैं लोग नेट का दौर है हर बंदे की जेब में मोबाइल है नेट जेब में मौजूद है। शियों का जाकर था पागल हो गया था मिंबर पे माइक में कह रहा था कि अली ने आते ही कुरान पढ़ा दुनिया में हो ही नहीं सकता। मैंने क्यों नहीं हो सकता उन्होंने कहा जी नबी मौला है नबी आका है अली अब्द है नबी आए उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। शियों का जाकर कह रहा जी अली ने आता ही कुरान पढ़ा। मेरा भाई बनता ही अली का पढ़ना था क्यों हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था हर जहन में हर लफ्ज समाता ही नहीं था कुरान सुनाते भी भला किसको मोहम्मद कुरान किसी और को आता ही नहीं। सदके सदके सैयदादा अल्लाह अकबर जी कर हाँ लख वारी अखा अल्लाह अकबर। हर शख्स सेहत हो जाए शाला शिफा हो जाए शाला हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था हर जहन में हर लफ्ज समाता ही नहीं था कुरान सुनाते भी भला किसको मोहम्मद। तो सलाम है मिसरा सारा पढ़ छड़िया तुसा कुरान सुनाते भी भला किसको मोहम्मद कुरान किसी और को आता ही नहीं था। एक इतराज और होंदा जी
मुसलमाना तारीख लिखी है, अली पाक का उलिया लिखिया ने, कद छोटा, तारीख में पढ़े आपने भी अली का कद छोटा मुसलमानों ने लिखा है, पेट बड़ा हुआ, पिंडलियां पतली कमजोर। संगी पढ़ती हो मेरे, जवाब दे, बोला वो नूर लाओ जो नूरे जली से ऊंचा हो। आई साहब दुआ चाहिए, वो नूर लाओ जो नूरे जली से ऊंचा हो, शरफ किसी का खुदा के वली से ऊंचा हो, और जंगे बद्र से चल और फतेह मक्का तक किसी का सर तो दिखा जो अली से ऊंचा हो। अल्लाह नौकर अली पाक दे लड़के है लड़ी बिस्मिल्लाह करा सरकार जी, मैं लख वारी आखा मैं सदके जावा, वो नूर लाओ जो नूरे जली से ऊंचा हो, शरफ किसी का खुदा के वली से ऊंचा हो। तू जंगे बदर से चल और फतेह मक्का तक किसी का सर तो दिखा जो अली से बिस्मिल्लाह करा जी साहब, सनद मेरे वास्ते तुहाडी दुआ जी। मैं फिर आखदा सरकार, वो नूर लाओ जो नूरे जली से ऊंचा हो, शरफ किसी का खुदा के वली से ऊंचा हो जी। बिस्मिल्लाह जी, सदके जावा, वो नूर लाओ जो नूरे जली से ऊंचा हो, शरफ किसी का खुदा के वली से ऊंचा हो। तू जंगे बद्र से चल और फतेह मक्का तक किसी का सर तो दिखा जो अली से। अल्लाह अकबर, प्यारे नंदा, अल्लाह अकबर। मैं बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, या रसूल अल्लाह लड़के हैदरी, शुक्रिया मौला, बिस्मिल्लाह करा, वो नूर लाओ जो नूरे जली से ऊंचा हो, शरफ किसी का खुदा के वली से ऊंचा हो। तू जंगे बद्र से चल और फतेह मक्का तक किसी का सर तो दिखा जो वली से ऊंचा हो, किसी का सर तो दिखा जो अली से। एक और एतराज कर देने, आओ वो भी सुनो, बच्चों में सबसे पहले अली इस्लाम कबूल करने वाले, मेहरबानी, ये भी गल होंगी जे, औरतों में सबसे पहले खदीजा इस्लाम कबूल करने वाली। मैं कह रहा हूं पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, हम तो दुआ की थी तो मैं गल करूंगा, पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, बस दहर में वो कारी ये कुरान अली है, मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, पहला नहीं पहले से मुसलमान अली। ऐ मजा है अल्लाह की कसम, अल्लाह अकबर, मेहरबानी, हैदरी जी में, हैदरी या अली, मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, पहला नहीं पहले से मुसलमान अली है, अली है। अली के लब ले मौला, कुरान पढ़ूं, तुरात पढ़ूं, जबूर पढ़ूं, अंजील पढ़ूं, सुन दे पे हो, नबी फरमाते या अली कुरान पढ़। एतराज करते हैं शिया पाक नबी नहीं पढ़ते, लो मैं एक जुमले की कोशिश करूं जे, शिया वेख पढ़ते कि मैंने सुन दे कि मैं नबी सुना, या अली कुरान पढ़। अली फरमाते मौला जब आप सामने हैं,
नबी दे आशिक बोलते इस गल ते हैं, जब नातिक सामने है फिर सामत क्यों पढ़ू? फरमाते नहीं याली कुरान पढ़े एक मसला हल हो जाएगा। ये निके वीर ना भी बोलन परेशानी नहीं, बोलना है ना चोखा सारा जेड़े चिटियां दाड़ियों तुहाडे को मैं दुआ लेनी बाबा जी स्पेशली तवज्जो चाहिए। याली कुरान पढ़े एक मसला हल हो जाएगा। ली गला बिले मौला कौन सा मसला? नबी फरमाते हैं मासूमियत का दायमी फरमान नशर कर, माँ बाप के वकार की बुरहान नशर कर, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर, इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नशर कर। क्या बिनती असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहाँ से मुसलमान आ गए। जी में हैदरी जिंदगी हो इंशाल्लाह हैदरी। गल दिल लगी तुहाडे मासूमियत का दायमी फरमान नशर कर, माँ बाप के वकार की बुरहान नशर कर, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर, इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नशर कर। बिनते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहाँ से। खैर हो गई आखिर दिल में पढ़ता पाया काफिर के घर कहाँ से। तुसी मातमी संगी बनते हो मेरे? एक गल मौलवी नाल करा, दीनों ईमान के ईमान को काफिर ना कहो, दीनों ईमान के ईमान को काफिर न कहो, हर में हक के निगेबान को काफिर न कहो। अव्वलियत है खदीजा की सभी माओं में, कम से कम माँ के निका खान को काफिर न कहो। अल्लाह अव्वलियत है खदीजा की सभी माओं में, कम से कम माँ के निका खान को काफिर न कहो। बिनते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहाँ से मुसलमान आ गया। आखिरी छः मिसरे, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, जिनका इंतज़ार था वो तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाह भाईजान इजाज़त अलवी साहब की बिला आ गए। मैं फजाइल तो छड़ता पाया, मुसाहब मेरे से दराज क्यों पढ़ेंगे। बिनते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहाँ से पढ़ना छड़ दिया। बिनते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहाँ से। मोकी बाबा खून लगा जे मेरा हूं जाया ना करया जी। नबी आखे या अली जिथे तुसी आए हो ना काबे बिच, इथों के हालात मैं दस छड़े ने, तो जिथों तुसी आए हो नाल टुरा तो सही ना फिर सुनना चाह रहे हो तो भाई जान मेहरबानी, जिथों तुसी आए हो उथों दियां गल्लां कहन सुनियां। अली के ला पीले मौला क्या बताऊं? नबी फरमाते आप ये बता कि हुरमत अरमैन ठीक है। मिठू शाह रुस जाओ बंदा गैर हाजरी जिसे चेहरे से मुस्कुराहट भी ना आई या मुँह चो सुबाल ना निकल सके। आप ये बता कि हुरमत अरमैन ठीक है, उम्मो अबीहा कैसी है, हसनैन ठीक है। सदके जावा अल्लाह अकबर हैदरी। अब ये बता के हुरमत मैंने देखी बाबा, अब ये बता के हुरमत हरमैन ठीक है, उम्मो अबीहा कैसी है, हसनैन ठीक है, क्या सज्जाद और बाकेरे दरैन ठीक है, क्या सादिक और काज़िम कौन है ठीक है, मेरे अली तकी नकी आदि को खैर है, क्या हाल अस्करी का है महदी को खैर है। हाथों में ऊंचे रल के बोलो हैदरी।